दोस्तों आज के टाइम में YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें लोग अपने हॉबीज को पूरा भी करते हैं और वहां से पैसा भी कमाते हैं और कई कई लोग तो YouTube पे अपना कैरियर भी बना रहे हैं। आपको तो पता ही है Google के बाद YouTube दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है और YouTube टाइम टू टाइम अपने अपडेट्स लाता रहता है और उन्हीं कुछ अपडेट्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं अपनी आज की इस वीडियो में। अगर आपको भी उस अपडेट के बारे में जानना है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। शायद इन अपडेट्स की वजह से आपका मन भी यूट्यूब के कैरियर बनाने का और भी ज्यादा पक्का हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि पहले था, यूट्यूब पे अपना चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना पड़ता था। दोस्तों अब आपको 4000 वॉच टाइम पूरा करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यूट्यूब पे दो तरीके की वीडियो डाली जाती है, पहली शॉर्ट वीडियो डालते हैं, दूसरी लॉन्ग वीडियो डाली जाती है। अगर आप लॉन्ग वीडियो भी डाल रहे हैं तो भी आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि पहले तो 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना मस्ट था। YouTube आज से कुछ दिन पहले एक अपडेट लाया था जिसमें YouTube ने यह बताया था कि अगर अब आप नेक्स्ट ईयर से शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हो अपने लॉन्ग वीडियो के साथ या अपने लॉन्ग वीडियो के चैनल में तो आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब बस आपको अपनी वीडियोस पे 90 दिन के अंदर 10 मिलियन व्यूज और 1000 सब्सक्राइबर्स लाने होंगे। वैसे अब आपके पास दोनों ही ऑप्शन होंगे, या तो 4000 घंटे पूरे करें या फिर 90 दिनों के अंदर अंदर 10 मिलियन व्यूज, फिर आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों पहले ऐसा हुआ नहीं करता था। अगर आपका कोई लॉन्ग वीडियो का चैनल होता था और उसमें अगर आप शॉर्ट वीडियो डालते थे तो वो मिक्स हो जाता था आपके लॉन्ग वीडियोस के साथ और आपका चैनल अजीब सा दिखने में लगने लगता था। लेकिन अब यूट्यूब के अपडेट ने सारे सेक्शन अलग अलग कर दिए हैं। अगर आप शॉर्ट वीडियो डालते हैं तो उसका एक अलग सा सेक्शन है और शॉर्ट वीडियो आपको से उसी सेक्शन में दिखाई देगी। दोस्तों शॉर्ट्स के साथ अब यूट्यूब ने लाइव का भी ऑप्शन भी ऐड कर दिया है। और दोस्तों यूट्यूब ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अब वो शॉर्ट वीडियो को फुल सपोर्ट कर रहा है। मतलब दोस्तों अगर अब आप अगर अपने चैनल पे लॉन्ग वीडियो बनाते हो या शॉर्ट वीडियो या फिर कभी लाइव आते हो तो अब सबका एक अलग सेक्शन बन गया है। दोस्तों अब आप अपने एक ही चैनल पे दोनों वीडियो डाल सकते हो। और दोस्तों शॉर्ट्स वीडियो बहुत ही जल्दी वायरल भी होती है, उसके चांस ज्यादा है वायरल होने के, उसमें एंगेजमेंट ज्यादा आता है और उसमें आप सिर्फ 10 मिलियन व्यूज लाके अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ। अब आपका चैनल दो तरीके से मोनेटाइज हो सकता है। पहला तरीका, जब आपके चैनल में 1000 सब्सक्राइबर या फिर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाए, या तो आपका पहले से ही पता ही होगा। लेकिन दूसरा तरीका YouTube ने हाल ही में ही निकाला है, वो है कि आपके चैनल में 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 90 दिनों में शॉर्ट्स वीडियो पे 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ जाते हैं तो भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। यानी अब आपको 4000 घंटे या फिर 10 मिलियन व्यूज में से किसी एक को पूरा करना होगा और आप पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। वहीं एक और अपडेट ये है कि अब शॉर्ट्स वीडियो पे भी एड आया करेंगे और यूट्यूब उन एड्स का आपके साथ 45% तक रेवेन्यू शेयर करेगा। तीसरा अपडेट ये आया है कि यूट्यूब आपके लिए क्रिएटर म्यूजिक ला रहा है जिसपे आप म्यूजिक पे कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, बल्कि YouTube आपके एड रेवेन्यू का थोड़ा पार्ट उस म्यूजिक ओनर को शेयर करेगा। और ये सारे अपडेट 2023 तक लागू भी हो जाएंगे। दोस्तों आपको इन अपडेट्स में कौन सा अपडेट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।